दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको नेपाल के बारे में। जी हां, कैसे आप नेपाल पहुंच सकते हैं वो भी बहुत ही कम खर्चे में। दिल्ली से नेपाल काठमांडू तक आपको मैं लेकर जाऊंगा सिर्फ 860 रुपए में। पूरी वीडियो जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो पासपोर्ट की जरूरत होगी या नहीं, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, परमिट कैसे लेना होगा, इसकी वास्तव में जरूरत पड़ती भी है या नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया का नेपाल में काम करेगा या नहीं, बहुत सारे सवालों के जवाब जो आपके मन में चल रहे हैं सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। दोस्तों अगर आप नेपाल जाना चाहते हैं तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले बता देता हूँ कि पासपोर्ट के बारे में। सबसे पहले मैं आपको पासपोर्ट के बारे में ये क्लियर कर देता हूँ कि आपको पासपोर्ट की जरूरत नेपाल में नहीं पड़ेगी। अगर आप फ्लाइट से भी जाते हैं तो भी आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि नेपाल में पासपोर्ट वीज़ा की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट आपको अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड साथ में जरूर रखना होगा। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसको कैरी जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कैसे आप सबसे सस्ते में यानी मात्र 860 रुपए में दिल्ली से काठमांडू पहुंच सकते हैं। देखिए अगर आप दिल्ली से निकलते हैं तो एक ट्रेन है सत्याग्रह एक्सप्रेस जो दिल्ली से करीब शाम को 5:15 बजे के करीब चलती है। उस गाड़ी की आप रिजर्वेशन करा सकते हैं। देखिए मैं सबसे सस्ती यात्रा आपको बता रहा हूँ तो आपको रिजर्वेशन करवाना होगा स्लीपर कोच का, जिसका रेंट, जिसका टिकट करीब 450 रुपये का होगा। शाम को 5:15 बजे के करीब वो दिल्ली से ट्रेन चलेगी। नेक्स्ट डे इवनिंग में ही 5 बजे के करीब वो रैक्सोल आपको बिहार उतार देगी। रैक्सोल रेलवे स्टेशन पर जब आप बाहर आएंगे तो वहां पर पहुंचने के बाद आपके पास तीन ऑप्शन हो जाते हैं। तीन ऑप्शन कौन कौन से, या तो आप ऑटो रिक्शा कीजिए, या आप सादा रिक्शा कीजिए, या फिर आप तांगे से जाइए। अगर आप ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो वो 20 रुपये आपसे लेगा, वो आपको नेपाल बॉर्डर पर ड्रॉप कर देगा, यानी 450 रुपये दिल्ली से रैक्सोल तक और प्लस 20 रुपये नेपाल बॉर्डर तक, 470 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद नेपाल बॉर्डर पर पहुंचने के बाद बात आती है परमिट की। देखिए परमिट की जरूरत कब पड़ती है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल, कार या बाइक लेकर आते हैं तो आपको नेपाल में एंटर करने से पहले परमिट की जरूरत पड़ती है। परमिट की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आप नेपाल में अपनी गाड़ी, अपना व्हीकल ड्राइव करने वाले हैं, और किसी भी दूसरे कंट्री में ड्राइव करने के लिए आपके पास वहां का ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो इंडिया का है, और इंडिया का लाइसेंस लेकर आप किसी दूसरे कंट्री में ड्राइव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आपको परमिट की जरूरत पड़ती है, या फिर कह सकते हैं कि इमिग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा। बट अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो आपको ना ही परमिट लेने की जरूरत पड़ेगी और ना ही इमिग्रेशन सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, ना ही आपको कोई रोकेगा जब आप बॉर्डर पर होंगे या बॉर्डर क्रॉस कर रहे होंगे, कोई भी आपको नहीं रोकेगा, कोई भी आपको नहीं टोकेगा, ये मैं आजमाया हुआ आपको बता रहा हूँ। जैसे ही आप ऑटो से 20 रुपये देकर रैक्सोल रेलवे स्टेशन से नेपाल बॉर्डर तक पहुँचेंगे तो आप आसानी से बिना झिझके, कुछ नहीं करना है आपको, सीधे बॉर्डर पार करके नेपाल की सीमा में एंटर कर जाना है। अब 470 रुपये में आप नेपाल में तो पहुँच गए, बट मैं आपको पहुँचाने वाला हूँ काठमांडू। पर्सनल व्हीकल के लिए मैंने आपको बता दिया है, जब आप पर्सनल व्हीकल लाते हैं तो ही आपको इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इमिग्रेशन या परमिट की। बट फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए आप अपना वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड जरूर रखिएगा। वोटर आईडी कार्ड के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि नेपाल, भूटान ये कुछ ऐसे कंट्री हैं जो इंडिया के आधार कार्ड को कम वैल्यू देते हैं, वोटर आईडी कार्ड को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो उसको जरूर रखिएगा। इसके बाद जब आप नेपाल बॉर्डर के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं काठमांडू जाने के लिए। वहाँ आपको बसेस भी मिलेंगी, वहाँ आपको टाटा सुमो भी मिलेंगी। टाटा सुमो के बारे में मैं आपको बताता हूँ क्योंकि थोड़ा सा उसमें कम्फर्टेबल हो जाता है जर्नी करना, और थोड़ा फास्ट भी होता है बस के कंपैरिजन में। अगर आप टाटा सुमो से जाते हैं तो वो एक पैसेंजर से चार्ज करेंगे 390 रुपये, तो 470 प्लस 390 हो जाते हैं 860 रुपये। अब 860 रुपये में आप आसानी से काठमांडू पहुंच चुके हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद भी आपको बहुत ज्यादा किसी भी तरह के खर्च से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा खर्चा आपका नेपाल में नहीं होने वाला है। होटल्स वहां पे बहुत ज्यादा महंगे नहीं है, खाना भी आपका बहुत ज्यादा महंगा नहीं है,
लैंग्वेज वहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और नेपाली सभी बोली जाती है। हिंदी अगर आपको बोलनी है तो आप हिंदी में भी वहाँ पर आप बात कर सकते। परमिट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों में डाउट रहता है कि परमिट कैसे बनेगा, क्यों सब चीज़ों के झमेले में पड़ना है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हो तो ना ही आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, ना इमिग्रेशन सर्टिफिकेट की, ना पासपोर्ट की, ना वीज़ा की, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। बेफिक्र आप जा सकते हैं। डिटेल वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो देख लीजिए, उसमें पूरा प्रोसेस आपको समझाया गया है कि कैसे कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे चीज़ें फॉलो करनी है। और आज के लिए इतना ही। 860 रुपये में हमने दिल्ली से काठमांडू तक आपको पहुंचा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।